इंटरनेट पर जितने भी एसेट्स हैं उन सब का एक यूआरएल होता है, और इसीलिए इसको यूआरएल बोलते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक रिसोर्स लोकेट करता है। सो इसको यूआरएल मतलब यूनिक रिसोर्स लोकेटर इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी एसेट्स होते हैं वेब के ऊपर उन सब का एक एड्रेस होता है, एक लोकेशन एड्रेस होता है जिसको यूआरएल बोलते हैं। सो एसेट क्या होते हैं? एसेट बेसिकली आपकी वेब पे कोई भी फाइल, कोई भी इमेज, कोई भी बुक या कोई भी पेज, ये सब एसेट्स कहलाते हैं टेक्निकल ज़ुबान में। तो इनको एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र्स को एड्रेसेस चाहिए होते हैं जो कि यूआरएल कहलाते हैं, और हर एक चीज़ का एक एड्रेस होता है, जो आपका पेज है, जो आपका इमेज है, जो आपकी फ़ाइल है, जो भी आप अपलोड करेंगे इंटरनेट के ऊपर उसका एक एड्रेस जनरेट होगा। इसी तरह से इमेजेस का भी एक एड्रेस होता है। इमेजेस का एड्रेस बेसिकली जनरेट जो होता है वो दो चीज़ों से जनरेट होता है। एक, उसकी फ़ाइल का नाम क्या था, आपने इमेज का नाम क्या रखा था, वो जब अपलोड होगा उसका यूआरएल भी वही बनेगा, उसमें जैसे भी जो भी लिखा था आपने वो वैसे ही आपको उसमें यूआरएल डेवलप होगा। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो उसका कि वो डायरेक्टरी कहाँ पर अपलोड हुआ, जहाँ वो अपलोड हुआ वो उसका यूआरएल डायरेक्टरी का, उसके आगे फाइल का नेम लग के वो पूरा एक इमेज बन जाता है। तो अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आप उसको गौर करें तो कुछ इमेज का टैग इस तरह से आपको नज़र आ रहा था। इस एग्जांपल के अंदर आप अगर गौर करें तो ये बेसिकली आपका इमेज का यूआरएल था, ये वो फाइल थी जो फोर्ड मुस्टैंग की फ़ाइल हमें नज़र आ रही थी। तो आपकी फ़ाइल का यूआरएल कुछ इस तरह से होता है, जिसका मतलब ये कि example.com पे ये अपलोड हुई, और उसके बाद उसमें जो आगे यूआरएल बन रहा है वो बेसिकली वो जो पार्ट है आखिर वाला वो ये आपका नाम है इमेज का। सो ये जो नाम है ये हमने डेस्कटॉप पे ही अपने सिस्टम पे ही पहले रख लिया था जब मैंने अपलोड किया example.com पे, तो इसका पूरा यूआरएल example.com/filename बन गया। अब इस फाइल नेम में मैंने चूँकि SEO के लिए मैंने कीवर्ड रिसर्च की हुई थी, तो मैंने उसमें वही नाम लिखे जो मैंने उस पेज पे जिसको ऑप्टिमाइज़ करना था, जो कि फोर्ड मुस्टैंग से रिलेटेड थे। आप इमेजिन करें कि अगर मैं फ़ाइल नेम ना रखूं, या हम जो भी फ़ाइल नेम रखते हैं अगर वो कैमरा जो हम यूज़ करते हैं उसके मुताबिक रखें, तो कुछ आपको इस तरह से फ़ाइल नेम जनरेट होते हैं। ये वो फ़ाइल नेम्स हैं जो आपके बाई डिफ़ॉल्ट कैमराज प्रिंट करते हैं आपके इमेजेस के ऊपर, अगर आप मोबाइल चूज़ कर रहे हैं, या अगर आप DSLR या दूसरे ट्रेडिशनल कैमराज यूज़ कर रहे हैं, तो आपके जितने भी इमेजेस होते हैं उनके ऊपर नंबर लगे हुए होते हैं। अगर वो नंबर लगेंगे कुछ इस तरह से नज़र आएगा, तो आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि गूगल इसको देखकर ये बता सकता है कि उस इमेज के अंदर वो एक फोर्ड मुस्टैंग कार है जिसका कलर रेड है या कुछ भी? जी नहीं। सो बेसिकली यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ऑल टैग्स और जो दूसरी चीज़ें वो यूज़ करनी पड़ती हैं, और उसमें फ़ाइल नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी फ़ाइल बनाएं, जो अपलोड करें, उसको पहले रीनेम ज़रूर कर लें अपने कीवर्ड्स के साथ, ताकि आपको पता हो कि जब ये अपलोड होगा उसका जो सब कुछ है वो ऑप्टिमाइज्ड होगा। सो फॉर एग्जांपल इस पूरे फोर्ड मुस्टैंग के इस टैग में मैं अब आपको बताऊं तो ये तकरीबन पूरा ऑप्टिमाइज्ड है, जिसमें ना सिर्फ उसका टाइटल, उसका ऑल टैग, उसका कैप्शन और उसकी जो बाकी चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड हैं, बल्कि उसका फ़ाइल का नेम भी ऑप्टिमाइज्ड है, जिसकी वजह से उसका यूआरएल भी उसी कीवर्ड के अराउंड है जो हमने रिसर्च किए थे। सो अगर आपने किसी भी इमेज को SEO करना हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कैसे आपने सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इमेज की SEO अच्छी नहीं होगी, और अगेन आपको यही मसला बार बार पेश आएगा कि आपका इमेज रैंक नहीं करेगा। सो अगर आप अपने इमेज को एक एक करके ऐसे ऑप्टिमाइज़ करते चले जाएँ, तो अल्टीमेटली जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी होती चली जाएगी आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने सारे इमेजेस दोबारा से करने हैं। सो आपके इमेजेस ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड होंगे। अब ये एग्जांपल मैं आपको अगर आप मतलब आपके क्लाइंट के हवाले से देता हूँ कि अगर आपके क्लाइंट नया है और उसकी वेबसाइट बहुत बहुत बड़ी है, उसके इमेजेस में मसले हैं ये, तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि आप ये ठीक करवाएं, वरना आप SEO अच्छी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये करना तो है ही, इसके बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बड़ी वेबसाइट है तो टाइम लगेगा, लेकिन करना अगर शुरू कर देंगे आप तो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। एक छोटी सी मैं आपको टिप दे सकता हूँ कि अगर आपने ये ऑप्टिमाइजेशन शुरू करनी है तो कोशिश करें कि टॉप पेजेस से शुरू करें, वो पेजेस जो ज़्यादा चलते हैं, वो पेजेस जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक आती है, या वो पेजेस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप बेचना जल्दी चाहते हैं, तो आप वहाँ से स्टार्ट करें और करते करते उन पेजेस पे चले जाएँ जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन रखने ज़रूरी हैं। तो आप इस तरह से आसानी से अच्छी SEO जल्द से जल्द एक अच्छी SEO की तरफ चले जाएंगे, जिसमें आपको इमेजेस काफ़ी हेल्प करेंगे।